हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अंजना विद्यापीठ हेलो बायोलॉजी में। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं लिविंग वर्ड चैप्टर को, और इसमें हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ को। तो कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ में आज हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म को। तो बच्चों, जब हम लाइफ की बात करते हैं तो हमने लाइफ को कैसे डिफाइन किया था? हमने कहा था कि लाइफ जो है, हमने पढ़ा था कि लाइफ जो है वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स की, और वो जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में इंटरैक्ट होते रहते हैं। दैट मीन्स कि उनके बीच में केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, और उन रिएक्शंस के रिजल्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। तो वो जो केमिकल रिएक्शंस एक सेल के अंदर होती हैं, ठीक है, वो जो केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर होती हैं, उन सबको मिला के हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है, और उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो देखो कि कोई भी एक सेल है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के बायोलॉजिकल बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। वो बड़े भी हो सकते हैं, वो छोटे भी हो सकते हैं, और एक बार में एक लिविंग सेल के अंदर, एक सेल के अंदर विभिन्न, हम यह कह सकते, कई प्रकार की बायोकेमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं, और उन सब रिएक्शन को एक साथ मिला के हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो अब हम बात करेंगे कि अब हम इस डेफिनेशन पर आते हैं कि मेटाबॉलिज्म है क्या। तो द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। वही मतलब कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हो रही हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में या फिर एक सेल के अंदर, उन सबको मिलाकर हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, और उन रिएक्शंस को हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। तो जैसे कि हमने अभी कहा, आप हमने हमने अभी कहा कि जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़े साइज के भी होते हैं, वो छोटे साइज के भी होते हैं, और उन्हीं के बीच में केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शन होती है, ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शंस जो है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एनाबॉलिज्म और दूसरी होती है कैटाबॉलिज्म, ठीक है। बात करते हैं कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या है। तो ये जो एनाबॉलिज्म जो है वो एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। कैसा प्रोसेस है? कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। जैसे कि हमको पता है कि कंस्ट्रक्ट के कहते हैं ना, वो एक कंस्ट्रक्टिव साइड चल रही है, यानी कि वहां पे कुछ बन रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, एनाबॉलिज्म है, यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। देखो सिंपली इस बात को समझो कि ये एक एनाबॉलिज्म जो है ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। इसके दौरान क्या हो रहा है कि कई सारे जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में रिएक्ट करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। यहाँ पर क्या हो रहा है, छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है, या हम कह सकते हैं बड़ा सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज अ फॉर्मेशन। एनाबॉलिज्म क्या है? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फ्रॉम द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बाय द यूटिलाइजिंग द बाय द यूटिलाइजिंग द एनर्जी। देखो क्या हो रहा है यहां पे कि जैसे कि मान लो कई सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये आपस में इंटरेक्ट किए और एक बिग मॉलिक्यूल यहां पर इन्होंने बना लिया। तो okay, ये क्या हो गया, ये कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। तो एनाबॉलिज्म में भी क्या हो रहा है कि लिविंग सेल के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कई सारे
स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, और इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी का उपयोग होता है। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी का उपयोग होता है, और इसका सबसे साधारण जो एग्जाम्पल है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसे है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में फूड मॉलिक्यूल बनता है, यानी कि ग्लूकोज बनता है। अब वो ग्लूकोज किससे बनता है? स्मॉल मॉलिक्यूल से बनता है ना। वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? वो हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये मिलके क्या बनाते हैं? ये मिलके बनाते हैं ग्लूकोज को, C6H12O6। ठीक है, तो इनके कंपैरिजन में ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि ये जो ग्लूकोज है ये एक बिगर मॉलिक्यूल है। तो यहां पर क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। ठीक है, तो क्या याद रखना है? एनाबॉलिज्म जो है वो एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के दौरान कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो है वो बनते हैं किससे? स्मॉलर मॉलिक्यूल से, और यहां पर ऊर्जा का उपयोग होता है। ठीक है, तो ये थी एनाबॉलिज्म। अब बात करते हैं कैटाबॉलिज्म की। ठीक है, एग्जांपल जरूर ध्यान रखना। देखो, अगर ये कंस्ट्रक्टिव है तो ये याद रखो कैटाबॉलिज्म जो है वो उसका उल्टा है, वो डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, किसी चीज को तोड़ना। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि एक जो बिगर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक बड़ा सा मॉलिक्यूल था। ठीक है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट गया। ठीक है, और जब ये मॉलिक्यूल टूटेगा तो यहां पर क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है? कैटाबॉलिज्म जो है वो एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के दौरान ब्रेकडाउन होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो ब्रेकडाउन होता है स्मॉलर सब्सटेंस में। देखो, इसका भी एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। देखो, फोटोसिंथेसिस में क्या था? ठीक है, फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें, ठीक है, ये एक एनाबॉलिज्म है, एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। यहां पर वाटर यानी कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड ने मिलकर ग्लूकोज बनाया था। ठीक है, और यहां पर एनर्जी का उपयोग हुआ था। जबकि रेस्पिरेशन में क्या होगा? जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वो एक पूरी प्रोसेस है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्साइकल एंड ऑल, लेकिन जो मेन जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो उसके ये होते हैं। ठीक है, ठीक है, ए H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो है वो एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है, क्योंकि यहां पर एक बिगर मॉलिक्यूल टूटा है या ब्रेक डाउन हुआ है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, और यहां पर एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, इसके अलावा डाइजेशन जो है वो भी एक प्रकार का कैटाबॉलिक रिएक्शन है। ठीक है, तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। देखो, सिंपली इसको याद रखना, एनाबॉलिज्म, ठीक है, देखो एनाबॉलिज्म है तो ए फॉर होता है एडिशन, या फिर हम कहते हैं ऐड करना। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड कर रहे हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एनाबॉलिज्म। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, वहां पे एडिशन हो रहा है, बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है, ये तो हो गया एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, ठीक है, ये हो गया कैट यानी कि काटना। तो बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो कट गया है, कट के स्मॉल मॉलिक्यूल बना रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैटाबॉलिज्म। याद करने के लिए बता रही हूं मैं यहाँ पे बस। ठीक है, तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि क्या मेटाबॉलिज्म
एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ की क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि मेटाबॉलिज्म जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लाइफ की, तो इसका उत्तर होगा यस। जिस प्रकार से सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थी और रिप्रोडक्शन एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लाइफ की, मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लाइफ की। अब आता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो है पर क्यों कैसे? तो देखो, मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया है वो एक सिंगल सेल से लेके कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको दिखाई देती है, ठीक है? इसीलिए ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। देखो, अगर कोई भी सेल है या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, जब उसकी डेथ हो जाती है या वो सेल डाई हो जाती है, तो क्या होता है, उसी वक्त उसी क्षण ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं या मेटाबॉलिज्म की जो पूरी प्रोसेस होती है वो स्टॉप हो जाती है और हम उस चीज को मृत घोषित कर देते हैं, ठीक है? तो इसलिए मेटाबॉलिज्म जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो एक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया से लेके यूनिसेलुलर बैक्टीरिया से लेके मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। कहने का अर्थ बस ये है कि ये हर उस चीज में है जिसे हम लाइफ कह रहे हैं। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं है तो वो चीज। अब प्रश्न ये आता है कि क्या ये बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं हम लैब में परफॉर्म कर सकते हैं? तो आंसर है जी, बिल्कुल कर सकते हैं। जब वो केमिकल रिएक्शंस हम टेस्ट ट्यूब के अंदर परफॉर्म करते हैं, तो बच्चों क्या होता है कि वो रिएक्शन तो परफॉर्म हो जाती है, परंतु वो जो मीडियम है वो नॉन लिविंग है, ठीक है? हम उसको लिविंग कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर वो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है तो उसका कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस या कोई बायोलॉजिकल रिजल्ट तो रहेगा ना, परंतु हमें वो वहां पे देखने को नहीं मिलता है। वो रिएक्शन बायोकेमिकल रिएक्शन है, परंतु वो एक नॉन लिविंग मीडियम के अंदर परफॉर्म की जा रही है। अदरवाइज अगर हम देखें कि वो रिएक्शन जब एक सेल के अंदर या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर परफॉर्म की जाती है, तो उसका कोई ना कोई बायोलॉजिकल पर्पस होता है, ठीक है? इसीलिए जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस नॉन लिविंग सब्सटेंस के अंदर परफॉर्म की जाती हैं, उस वक्त उसे ना ही तो हम लिविंग कंसीडर करते हैं और ना ही नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं, ठीक है? तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। किसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? लाइफ की। ये हमें बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें याद रखनी है, ठीक है? तो बच्चों, आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं नए नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाती रहूं। मिलते हैं आपसे अनदर लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।